नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्जायणम नमो लोहिये त्रिकालवर्त है। वो परिस्थिति जीव को कभी भी प्रकट नहीं हुई, उसका कारण द्रव्य दृष्टि नहीं हुई। और पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक एक निदान, एक निधि बताई द्रव्य दृष्टि की, क्योंकि द्रव्य दृष्टि की बात पता चलने के बावजूद भी सम्यक दर्शन के संबंध में उनका अभिप्राय यह बना रहा कि द्रव्य दृष्टि इसलिए करनी है कि उसके वजह से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए दृष्टि का विषय की चर्चा, उसका विचार, उसका चिंतन जीवनादि काल से करता रहा। लेकिन मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ इस बात के ऊपर जीवों का लक्ष्य नहीं गया, और अनादि काल में एक समय के लिए परमात्मा तत्व के ऊपर दृष्टि नहीं जाने के वजह से अनंत तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि, अनंत बार द्रव्यलिंगी मुनिपना, नवमी ग्रह की यात्रा, 12 अंग और 14 पूर्व में से 11 अंग 9 पूर्व का पाठ जीव ने अनंत बार किया, एक अपने शुद्धात्मा को नहीं पहचाना। और उसका कारण पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया कि प्रभु तू भगवान प्रत्यक्ष विद्यमान विराजमान है, तुझे सिर्फ मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास करना है। ऐसा विश्वास करते ही भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि जाते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। जिस सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए जीव अनादिकाल से प्रयत्न करता था, एक सम्यक दर्शन प्रकट करने का विधान नहीं था, यह आत्मदर्शन की कोई विधि नहीं थी। आत्मा त्रिकाली ध्रुव परमात्मा अनादि अनंत एक रूप है, इसकी दृष्टि जीव को नहीं हुई थी। और इसकी दृष्टि नहीं होने के वजह से भगवान आत्मा प्रत्यक्ष होने के बावजूद, विद्यमान होने के बावजूद, हाजरा हाजिर होने के बावजूद, उसने उसको हमेशा तिरोभूत माना और रागादि भाव को आविर्भूत माना। यह आविर्भूत और तिरोभूत, ये त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये पर्याय के अंदर में भगवान आत्मा की दृष्टि हो तो उसके अंदर में आविर्भूत हुआ, और दृष्टि नहीं हो तो तिरोभूत हुआ, ऐसा कहा जाता है। लेकिन भगवान आत्मा त्रिकाल प्रत्यक्ष रहता है। इस दृष्टि का निदान, ऐसी अद्भुत दृष्टि देकर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो निदान दिया, जो विधान दिया, इतना अद्भुत है कि जीव एक बार यदि इस बात को समझ ले और एक समय के लिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर ले तो सम्यक दर्शन यूं ही सहज में स्वाभाविक बने, पर्याय की अपनी योग्यता से, पर्याय की अपने निराधारपना से, निरालंबनपना से मैं परमात्मा हूँ ऐसा आलंबन लिया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन भी निरालंबन भाव से ही होता है, स्वाभाविक भाव से ही होता है। इसका सच्चा ज्ञान करवाया और शुद्धात्मा का श्रद्धान करवा के पूज्य गुरुदेव श्री ने वरक क्षेत्र के ऊपर जो उपकार किया है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। महावीर परमात्मा की ओम ध्वनि वरक क्षेत्र में 30 वर्ष तक बरसती रही, और पूज्य गुरुदेव श्री की ओम ध्वनि 45 वर्ष तक बरसती रही। और 45 वर्षों के अंदर में जो विपरीतता वरक क्षेत्र के अंदर में छाई हुई थी धर्म के नाम से, उसको जड़मूल में से परास्त करके, जड़मूल से नष्ट करके वस्तु व्यवस्था की अद्भुतता, अलौकिकता, परिपूर्णता बताकर जो पूज्य गुरुदेव श्री ने उपकार किया है, इसका शब्दों के अंदर में, भाषा के अंदर में वरक क्षेत्र के भव्य जीव वर्णन नहीं कर सकते। वो सिर्फ इस मार्ग पे चलकर मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करके, ऐसा विश्वास करके ही इस उपकार का बदला दे सकते हैं। ऐसा उपकार का बदला वरक क्षेत्र के प्रत्येक जीव शीघ्रतिशीघ्र दे, इस मंगल भावना के साथ में अपने पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत, जो अमृतमय वचन है, एक एक वचन के अंदर में द्रव्य दृष्टि करवा कर सम्यक दर्शन सहज में यूं ही मुफ्त में प्रकट हो जाए, ऐसी अद्भुतता पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई है।
जिसके लिए कर्ता बुद्धि से जीव अनादिकाल से सम्यक दर्शन करने के पीछे पड़ा था, लेकिन वो सम्यक दर्शन प्रकट करने का कोई विधान ही नहीं था। विधान था परमात्मा तत्व को जानकर, समझकर, उसकी वस्तु व्यवस्था को पहचान कर मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करते ही दृष्टि द्रव्य के ऊपर जाती, माने मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास, इसका नाम है दृष्टि। और ऐसी दृष्टि जहाँ परमात्मा तत्व के ऊपर गई, निर्णय करते हुए अनुमान ज्ञान में आते हुए अनुभव ज्ञान सहज मात्रा में प्रकट हो जाए, ऐसा दृष्टि का निधान। निधान की उत्पत्ति के लिए जगत ने बहुत प्रयत्न किए। अब निधान चाहे तो अलमारी में हो, चाहे तो तिजोरी में हो, चाहे तो लॉकर में हो, लेकिन उसके पास जाना पड़ता है, चाबी लगानी पड़ती है, लॉकर खोला जाता है, तब वस्तु वहाँ से निकलती है। जब ये तो ऐसा निधान कि दृष्टि से प्रकट हो जाए, माने मैं परमात्मा हूँ ऐसी दृष्टि हो जाए तो निधान प्रकट हो जाए, मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास हो जाए तो निधान प्रकट हो जाए, माने इससे सरलतम और क्या हो सकता है। आपको कहीं पर जाना नहीं, कहीं पर आना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, किसी को ग्रहण करना नहीं, किसी को त्याग नहीं करना, किसी को प्रकट नहीं करना। जो वस्तु प्रकट है वो मैं हूँ, क्योंकि वस्तु यदि प्रकट होती है तभी उसका ध्येय किया जा सकता है, तब उसको ध्येय बनाकर ध्यान किया जा सकता है, तब उसका लक्ष्य किया जा सकता है। तो ये वस्तु प्रकट है, इसका अता पता ही नहीं था। जगत के सभी जीव परमात्मा बनने के लिए पीछे पड़े हुए थे। तो गुरुदेव श्री ने क्या कहा, वो अपने दृष्टि के निदान के पुस्तक से, जो पूज्य गुरुदेव श्री के एक एक बोल इतने अनमोल है कि एक एक बोल के अंदर में सम्यक दर्शन की सहज मात्रा में उपलब्धि हो जाए, ऐसा विधान बताया। अपन शांति से गुरुदेव श्री के पुठे पुठे, गुरुदेव श्री के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए, धीरज पूर्वक वस्तु की व्यवस्था को समझते हुए, परिपूर्ण व्यवस्था को समझते हुए, परिपूर्ण का क्या अर्थ होता है इसको समझते हुए, विश्वास प्रत्येक जीव के अंतरंग के अंदर में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ में दृष्टि का निदान जो पूज्य गुरुदेव श्री की भरत क्षेत्र को देन है, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में से जिस बोल को चूंट चूंट कर यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, ये एक ऐसी देन है जिस देन 18,500 वर्ष तक पूरी नहीं हो सकती है, जिस देन की वजह से हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, असंख्य जीव पूज्य गुरुदेव श्री के समोसरण से मोक्ष में जाएंगे, ऐसी यह देन जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो, जयवंत वर्तो। जगत के भव्य जीव इस व्यवस्था को समझे कि दृष्टि का निधान माने क्या, ये बात पूज्य गुरुदेव श्री ने इसके अंदर में प्रत्येक बोल के अंदर में कही है। इस पुस्तक की शुरुआत होती ओम परमात्मा ने नमः। अब देखिए परमात्मा ने नमः, ये जो शब्द प्रयोग जो है उसके अंदर में, हम लोग जब छोटे छोटे थे गुरुदेव श्री के पास में, तो गुरुदेव श्री ने ये बात ऐसा कहा कि आप परमात्मा आटले शू खबर छे, आचार्य भगवान तो परमात्मा ने नमस्कार सुकाम करे छे। तो सब बच्चे लोग गुरुदेव की ओर ताकते रहे, प्रभु पता नहीं आप बताओ। तो गुरुदेव श्री ने एक कागज के अंदर में प र मा त मा ऐसा लिखा, फिर बोला देखिए प माने होता है पांच, पांच जिस तरह से लिखा जाता है प भी उसी तरह से लिखा जाता है, फिर र, र माने दो, पांच और दो सात, मा, मा माने चार और दो लकीर माने 4.5, पर मा तो 5, 2, 7, 4.5, 11.5, तो मा त आधा, त माने 8 गुजराती के अंदर में, तो 11.5 और 8 19, फिर मा तो 4.5, 11.5 19 और 4.5 24। अपने परमात्मा को नमस्कार करने से 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार पहुँचता है, 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार पहुँचने से अनंत तीर्थंकर परमात्मा को, अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार पहुँचता है। ऐसी बात, अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई थी। ऐसे अपने परमात्मा को नमन करते हुए, अनंत तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार करते हुए, दृष्टि का निधान नामक जो परमागम है
जिस परमागम के अंदर में आत्मा की अनुभूति का विधान है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जैसा है वैसा बतलाया है, ये सभी भव्य जीव जिस तरह से कहा गया उस तरह से जाने माने और समझे, इसी मंगल भावना पूर्वक अपन इसका स्वाध्याय चालू करते हैं। पहला बोल है, वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा समव शरण में सो इंद्रो तथा लाखों करोड़ों देवों की उपस्थिति में फरमाते हैं। वितराग सर्वज्ञ देव त्रिलोकनाथ परमात्मा लाखों सो इंद्रो तथा लाखों करोड़ों देवों की उपस्थिति में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय कर। ये तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि जो सो इंद्रों की उपस्थिति के अंदर में, लाखों करोड़ों देवों की उपस्थिति के अंदर में ये बात उनके ओम ध्वनि में आती है कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास कर, ऐसा निर्णय कर। देखिए, निर्णय करने की बात है। क्या निर्णय करना है? हमें सम्यक दर्शन करना है, हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है, हमें भगवान बनना है, हमें परिपूर्णता प्राप्त करनी है। ऐसा निर्णय करने के लिए नहीं कहते भगवान, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करने के लिए कहते हैं। अब तू परमात्मा बनने की बात करता है, यहाँ पे तीर्थंकर परमात्मा तू परमात्मा है ऐसा निर्णय करने की बात कहते हैं। वस्तु तो है परमात्मा, वस्तु तो है परमात्मा, लेकिन ऐसा निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय प्रभु तूने आज तक नहीं किया है। अनादिकाल से जीव ने परमात्मा बनने का प्रयत्न किया, परमात्मा बनने के लिए सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग उसका मूल ऐसा समझा, ऐसा मूल समझकर हमेशा उसने प्रयत्न करता रहा कि अपने को बस कुछ नहीं चाहिए संसार में, एक सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष मार्ग में चलकर मुनि बनकर श्रेणी चढ़कर परिपूर्ण परमात्मा बनना है। लेकिन ये कोई बात ही नहीं है, ये तो सब होने वाली व्यवस्था है। सम्यक दर्शन भी सहज में होने वाली व्यवस्था, मुनिपना भी सहज में होने वाली व्यवस्था, गुणस्थान का चढ़ने का क्रम भी सहज होने वाली व्यवस्था, केवल ज्ञान तीर्थंकर पद और सिद्धशा भी सहज में होने वाली व्यवस्था है। उसके सामने तुझे देखना नहीं है। तुझे कहाँ पे देखना है? तो क्या निर्णय करना है? क्या निर्णय करना? हमें परमात्मा बनना है। ये निर्णय नहीं करना, मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करना। देखिए मार्ग कितना सरल हो जाता है जब बात समझ में आ जाती है, वस्तु की व्यवस्था ख्याल में आ जाती है, तब ये बात बहुत सुगम हो जाती है, बहुत स्वाभाविक हो जाती है। बहुत सुंदरतम मार्ग है, अलौकिक मार्ग है, निर्बोज मार्ग है, जहाँ पे सारा का सारा बोझा मिट जाए, आधार लेने का, अवलंबन लेने का, आश्रय लेने की बात जहाँ पे समाप्त हो जाए। क्योंकि आश्रय जो लेता है, स्व आश्रय ले या पर आश्रय, ये लेने वाली पर्याय होती है। और परमागमों के अंदर में, नियम सार के अंदर में, इस पर्याय को स्वाश्रित या पराश्रित पर्याय को परद्रव्य कहकर, परसत्ता कहकर, परभाव कहकर ही बताया है। तो इस रहस्य को पूज्य गुरुदेव श्री खोलते जाएंगे, गुरुदेव श्री जैसे खोलते जाएंगे ऐसे अपन गुरुदेव श्री की बात सुनते जाएंगे। अभी तो निर्णय करने के लिए कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर। ये निर्णय अनंत काल के अंदर में एक समय के लिए जीव ने नहीं किया। मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ, क्योंकि जो वस्तु होती है ना, वस्तु वस्तु वर्तमान 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 वस्तु होती है। अब वर्तमान के अंदर में मैं परमात्मा हूँ, अभी इस वक्त मैं परमात्मा हूँ। अपन सारा मापदंड पर्याय से देखते हैं। अब पर्याय नश्वर है, विनश्वर है, उत्पादवी वाली है, एक समय के अंदर में पलटने वाली है, और वो भी एक समय का सत है। ये पर्याय, एक एक पर्याय सती है, चाहे राग भी होता है तो सती है, और वितरागता होती है तो भी सती है। जैसे सती का एक अपना पति छोड़कर और कोई नहीं होता, ऐसे पर्याय का धनी पर्याय स्वयं होती है। पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान
अधिकरण पर्याय का पर्याय में होता है, पर्याय के वजह से होता है, पर्याय के कारण से होता है, पर्याय ही उसका कर्ता कर्म और आधार है। इस बात को समझकर पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाकर जो त्रिकाली एक रूप परमात्म तत्व है, त्रिकाली परिपूर्ण परमात्म वस्तु जो है वो मैं हूँ। देखिए शब्द क्या है, मैं परमात्मा हूँ। प्रत्येक जीव को ये बात तय करनी है कि मैं परमात्मा हूँ। यदि प्रत्येक जीव इस बात को तय कर ले कि मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा बन जाता है। विश्वास यदि परमात्मा का आवे तो परमात्मा बनने में समय नहीं लगता। उसको आज तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास, क्योंकि उसको तो मैं मनुष्य, मैं देव, मैं 10 प्राण से जीने वाला, मैं संसारी, मैं कुटुंब वाला, मैं परिवार वाला, मैं व्यापार वाला, मैं इज्जत वाला, मैं आबरू वाला, मैं वितरागी देवगुरु शास्त्र को मानने वाला, उसकी दृष्टि यहाँ तक ही सीमित रही। वे तो परद्रव्य है बिल्कुल, 10 प्राण तो प्रत्यक्ष परद्रव्य है, जहाँ समर निद्रा और मोक्ष के परिणाम को भी परद्रव्य के अंदर में रखा जाता हो, उस मार्ग की पवित्रता कितनी हो, जहाँ द्रव्य को ध्रुव कहकर, द्रव्य को परिपूर्ण कहकर, परमात्मा कहकर, त्रिकाल शुद्ध कहकर, अपरिणामी कहकर, निष्क्रिय कहकर, एक रूप कहकर, अखंड कहकर, अभेद कहकर, परिपूर्ण कहकर, मैं ऐसा परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करने का उपदेश नहीं, ऐसा निर्णय कर। देखिए शब्द, ऐसा निर्णय कर आदेश है, उपदेश नहीं है। तूने निर्णय नहीं किया उसलिए ऐसा निर्णय करने के लिए आचार्य भगवान गुरुदेव और तीर्थंकर परमात्मा है आदेश देते हैं कि तू ऐसा नक्की कर, यानी ऐसा निर्णय कर कि मैं वर्तमान में परमात्मा हूँ। देखिए बहुत बड़ी बात है, बोल एक है, पहले बोल की पहली 2.5 पंक्तियाँ है, इस 2.5 पंक्ति के अंदर में तत्काल आत्मा की अनुभूति हो जाए और अनुभूति होकर तुरंत मोक्ष में चला जाए, ऐसी अद्भुतता इस बोल के अंदर में, इस पत्र के अंदर में, इस मर्म इतना भरा हुआ है कि निर्णय तूने नहीं किया मैं परमात्मा हूँ। एक बार तुझे निर्णय करना है कि मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा सिमंदर परमात्मा को क्या चाहिए, जो सिमंदर परमात्मा को चाहिए वो मेरे को चाहिए, तो सिमंदर परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए तो मेरे को भी कुछ नहीं चाहिए। सिमंदर परमात्मा परमात्मा ही है, मैं भी परमात्मा ही हूँ। सिमंदर परमात्मा 3 लोक को नहीं जानते, 3 लोक उसके अंदर में जनित जानता है, मैं भी जगत को नहीं जानता, जगत अपने आप ज्ञान के अंदर में जनित जानता है। सिमंदर परमात्मा अपने स्वभाव से बाहर नहीं आते, मैं भी अपना स्वभाव से कभी बाहर नहीं आया, पर्याय में नहीं है। अब पर्याय में नहीं आया तो पर्याय को अंदर वालू, झुकाऊ, स्वभाव सन्मुख करूँ, ये बात तो खड़ी ही नहीं होती। जो सहज में होने वाली व्यवस्था है इसका विचार भी अपन कभी नहीं करते, उसलिए निर्णय नहीं होता। निर्णय नहीं होने से मक्कमता नहीं होती, मक्कमता नहीं होने से स्वभाव की जो अद्भुतता है, परिपूर्णता है, उसका अहोभाव, उसका प्रेम, उसकी लगन, उसकी धुन, उसके पीछे पड़ने का जो परिश्रम होना चाहिए वो नहीं होता। देखिए क्या कहते हैं, अब शिष्य कहता है भगवान आप परमात्मा ऐसा निर्णय तो करने दो। शिष्य कहता है प्रभु पहले तो आप परमात्मा हो इतना तो निर्णय करने दो। तो भगवान कहते कि यह निर्णय कब होगा, निर्णय होगा लेकिन कब होगा, कि जब मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय होगा तब तुझे यह परमात्मा ऐसा व्यवहार का निर्णय होगा। मैं परमात्मा हूं ऐसा निर्णय जब होगा, ऐसा विश्वास जब होगा, ऐसा अनुभव जब होगा, ऐसा निश्चय जब प्रकट होगा, तब ये परमात्मा है ऐसा व्यवहार तुझे प्रकट होगा। जब तक निश्चय का निर्णय नहीं होता है, निश्चय की अनुभूति नहीं होती है, तब तक व्यवहार होता ही नहीं है। तू परमात्मा है ऐसा विश्वास करेगा तो ये परमात्मा है ऐसा निर्णय होगा, क्योंकि
जो अपने को परमात्मा की ओर से देखेगा तब मैं परमात्मा और तू परमात्मा। गुरुदेव से कहते हैं भगवान हूँ भगवान तू भगवान हूँ कहनार तू, माने मैं भी भगवान और तू भी भगवान, बस मैं भगवान हूँ ऐसा कहने वाला गुरुदेव मिले जिन्होंने इस बात का ज्ञान करवाया, इस बात का भान करवाया, वस्तु व्यवस्था का ज्ञान करवाया और द्रव्य दृष्टि का श्रद्धान करवाया। ये बात गुरुदेव श्री के प्रताप से, गुरुदेव श्री के योग से, गुरुदेव श्री के सानिध्य से 45 वर्षों तक ये वर्षा वरसती रही, जहाँ पे एक बात कही कि तू मैं परमात्मा हूँ ऐसा जब तू निर्णय करेगा तब उसकी अनुभूति होगी, जब अनुभूति होगी मैंने निश्चय प्रकट होगा तब ये परमात्मा है ऐसा व्यवहार का निर्णय सच्चा, नहीं तो वो परमात्मा तो तू क्या है, वो परमात्मा और तू संसारी ऐसा नहीं है। बंध और मोक्ष ये पर्याय के भेद है। त्रिकाली ध्रुव परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, उसके अंदर में त्रिकालता, अभेदता, अखंडता, एकता, एक्यता, अनादि अनंत एक रूप है। तुझे इसका विश्वास करना है कि मैं परमात्मा हूँ। आज तक तूने इसका विश्वास नहीं किया, उस लिए क्या हुआ कि निर्णय नहीं किया। अब निर्णय नहीं किया तो विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ तो अनुमान ज्ञान में नहीं आया, अनुमान ज्ञान में नहीं आया तो अनुभव ज्ञान में नहीं आया। ये सब धर्म एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना परिश्रम मुफ्त में प्रकट होती है, क्योंकि पुरुषार्थ करना है, लेकिन क्या पुरुषार्थ करना, जैसी वस्तु है उसका ज्ञान और श्रद्धान करना वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ माने परिश्रम नहीं, पुरुषार्थ माने चलना फिरना, पर्याय को एक जगह से ले आना दूसरी जगह से झुकाना, ये हो ही नहीं सकता प्रभु, क्योंकि जो पर्याय प्रकट हो चुकी है वो तो चल पड़ी है और जो पर्याय प्रकट नहीं हुई वो पारिणामिक भाव से है। तब कौन सी पर्याय को झुकाओगे, वालोगे, सन्मुख करोगे? तो अपने आप वो सन्मुख होती हुई उत्पन्न होगी आपके अभिप्राय के मुताबिक, आपके निर्णय के मुताबिक, आपके विश्वास के मुताबिक। यदि आपका विश्वास ऐसा है कि सम्यक दर्शन करने से परमात्मा हो जाएगा तो ये पर्याय हमेशा पर सन्मुख ही रहेगी। पर्याय सन्मुख, पर्याय पर्याय के सन्मुख माने पर सन्मुख। और जब पर्याय कहेगी कि मैं परमात्मा हूँ तो द्रव्य सन्मुख होगी, जब द्रव्य सन्मुख होगी तो मैं परिपूर्ण परमात्मा, जब मैं परिपूर्ण परमात्मा ऐसी दृष्टि जब जाती है तो वस्तु तो प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हाजुर है, उसकी अनुभूति तत्काल हो जाती है, उस अनुभूति के लिए समय नहीं लगता प्रभु। आप एक बार इस वस्तु की व्यवस्था को समझकर इस बात को गहराई से विचार करें, अपने को दृष्टि का निदान यानी गुरुदेव श्री के ऐसे बोल है जिसके अंदर में 480 बोल, कि एक एक बोल के अंदर में जीव मोक्ष में चला जाए, इतनी गंभीरता, इतनी गूढ़ता, इतनी गहनता, इतनी वस्तु की व्यवस्था का मर्म भरा पड़ा है। तो अपने को आज दृष्टि का निदान की शुरुआत हुई है। अपन समझे दृष्टि क्या, सबसे पहले तो दृष्टि पर्याय, लेकिन वो दृष्टि करती किसकी है, द्रव्य की। मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य हूँ ऐसी दृष्टि करने से ही जो द्रव्य जो है उसका जो निधान जो है, उसका वैभव जो है, इसकी संपत्ति जो है वो पूरी की पूरी खुल जाती है। सभी के अंतरंग के अंदर में वस्तु व्यवस्था अत्यंत अत्यंत स्पष्ट होनी चाहिए। पर्याय है, पर्याय का परिणमन है, पर्याय उत्पाद व्यय स्वरूप है, और द्रव्य है, द्रव्य त्रिकाल स्वरूप है, एक रूप है, वो पलटती है, एक रूप है, वो सक्रिय है या निष्क्रिय है। पर्याय का स्वभाव सुख और दुख नहीं है, पर्याय का स्वभाव सक्रियता है, उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव है, और निष्क्रियता द्रव्य का स्वभाव है, अपरिणामीपना द्रव्य का स्वभाव है। तो इस स्वभाव को पहचाने, स्वभाव को पहचान कर द्रव्य और पर्याय का ज्ञान यथार्थ होना चाहिए और द्रव्य का श्रद्धान होना चाहिए। दो का ज्ञान, एक का श्रद्धान, लक्ष्य एक का होते ही दो का ज्ञान हो जाता है। अनुभूति के अंदर में द्रव्य पर्याय का ज्ञान आता है लेकिन द्रव्य नहीं आता। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है, अपरिणामी रहता है, दृष्टि रहती है द्रव्य के ऊपर में
और अनुभूति होती है द्रव्य पर्याय की। तो ये विधान बहुत सरल है प्रभु, उसके लिए आपको कोई प्रयत्न नहीं, आपको प्रयत्न यह करना है कि निर्णय करना है। क्या निर्णय करना है? मैं परमात्मा हूँ, मैंने महावीर परमात्मा परमात्मा है। निर्णय तब होगा जब मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय होगा तब। जब तक मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय नहीं होगा, तब तक महावीर परमात्मा परमात्मा है पता ही नहीं चलेगा महावीर परमात्मा क्या। बेन श्रीबेन कहा करते थे कि जब तक हमें आत्मा की अनुभूति नहीं हुई थी, तब तक गुरुदेव का वर्णन क्या करते थे हम लोग, कि गुरुदेव माने बहुत सुंदर गुरुदेव, बहुत गजब की वाणी, अद्भुत व्याख्यान, अद्भुत प्रभाव, एकदम सुंदर, एकदम परछंद गाया, सिंह गर्जना करते गुरुदेव। लेकिन जब अपने गायक की अनुभूति हुई तब पता चला, रहे हम तो जिसको गुरुदेव कहते हो तो जड़ शरीर है। गुरुदेव तो कौन गुरुदेव है? जो गायक गुरुदेव है वो गुरुदेव है। तो अपने गायक का पता चलने से गायक गुरुदेव का पता चला। ऐसे अपन परमात्मा हूँ इसका पता चले तो परमात्मा परमात्मा है इसका पता चले। अपना परमात्मापना का पता चले बिना महावीर परमात्मा, सिमंदर परमात्मा, सूर्यकृति परमात्मा परमात्मा है, ये वचन में चलता है, भाषा में चलता है, बुद्धि में चलता है, स्वयं सब में चलता, लेकिन व्यवस्था के अंदर में इसका कोई अता पता नहीं होता। ये अता पता लगता ही है अनुभूति से। तो अनुभूति स्वरूप वस्तु व्यवस्था, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, त्रिकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा विश्वास होते ही, ऐसा निर्णय होते ही परमात्मा अपना सहज में प्रकट हो जाता है। ये सहज में प्रकट होने वाली व्यवस्था है। आज तक हमने इस सहज में होने वाली व्यवस्था के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हमने व्यवस्था को व्यवस्था नहीं समझा। व्यवस्था कहते ही उसको एक जो व्यवस्थित होती है, जिस व्यवस्था कहकर व्यवस्था करनी पड़े वो तो अव्यवस्था है, वो व्यवस्था का अस्वीकार है। व्यवस्था माने व्यवस्थित, त्रिकाल द्रव्य एक रूप परमात्मा है, व्यवस्थित परमात्मा है। आप मानो कि मैं परमात्मा हूँ तो उसकी अनुभूति हुए बिना रहती नहीं है। आज तक अनुभूति नहीं हुई, उसका कारण यह है कि हमने परमात्मा बनने का प्रयत्न किया, परमात्मा हूँ ऐसा विश्वास नहीं किया। अब देखिए क्या कहते हैं, निश्चय के निर्णय हुए बिना व्यवहार का निर्णय नहीं होगा। पहले व्यवहार का निर्णय फिर निश्चय का निर्णय, ऐसा नहीं होता। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, जैसे ध्येय पूर्वक ज्ञेय होता है ऐसे निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। जिसके पॉकेट के अंदर में पैसा होता है वो पैसा का व्यय कर सकता है, पैसा ही नहीं हो व्यय क्या करेगा। जो निश्चय जिसको प्रकट हुआ, सारे व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ कहकर आत्मा की अनुभूति प्रकट हुई, उसको 12वीं गाथा में ऐसा कहा जाता है कि व्यवहार जाने लो प्रयोजन वंच। किसको? जिसने निश्चय को जाना उसको व्यवहार जाना हुआ प्रयोजन वन है। जिसने निश्चय को जाना ही नहीं, निश्चय को समझा ही नहीं, निश्चय के अंदर में एकत्व किया ही नहीं, उसको व्यवहार का जन्म ही नहीं होता, उसको व्यवहार का पक्ष होता है, व्यवहार का एकत्व होता है। व्यवहार दृष्टि, पर्याय दृष्टि, ते मिथ्या दृष्टि, ते मूढ़ दृष्टि, ते मिथ्यात्व को प्रकट करने वाली दृष्टि है। सम्यक दर्शन प्रकट करना इस अभिप्राय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं है। सम्यक दर्शन का विषय परमात्मा है, और है परमात्मा विराजमान। अब जो परमात्मा विराजमान है वो मैं हूँ ऐसा विश्वास करे तो दृष्टि उसके ऊपर जाए, दृष्टि उसके ऊपर जाए तो उसी का नाम सम्यक दर्शन है। तुरंत आनंद की अनुभूति होती है, ज्ञान के साथ में आनंद अविनाभावी रहता है। जहाँ स्वभाव की दृष्टि गई, स्वभाव का ज्ञान हुआ, स्वभाव का श्रद्धान हुआ तो अनुभूति होती है। उस अनुभूति के अंदर में आनंद का रसास्वादन होता है, आनंद का स्वसंवेदन होता है। उसका कारण मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय, ये मूल है, बेस है, फाउंडेशन है। यदि ये फाउंडेशन सही रहा तो 14 गुणस्थान के ऊपर सिद्ध शिला यूं ही प्रकट हो जाती है। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो वस्तु तक पहुंचने का विधान स्पष्ट होने के बावजूद भी जीव यहाँ तक पहुंच नहीं पाया, उसका कारण
वस्तु की व्यवस्था को जाना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं। अपन गुरुदेव श्री के संतान होकर द्रव्य दृष्टि का विधान, दिव्य दृष्टि का विधान, दिव्य दृष्टि का निधान जो पूज्य गुरुदेव श्री ने बताया, जहाँ से बताया, जैसे बताया, जिस तरह से बताया, उस तरह से अपन यदि समझने का प्रयत्न करें तो मार्ग सरलतम सरल है, प्रकट है, हाजरा हजूर है। मार्ग को खोजना नहीं है, परमात्मा तत्व का लक्ष्य वही मार्ग है, परमात्मा तत्व की दृष्टि वही मार्ग है, परमात्मा तत्व की नज़र वही मार्ग है, परमात्मा तत्व के अंदर में अहम वही मार्ग है, एकत्व वही मार्ग है। तो मार्ग बहुत सरल है प्रभु, पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने लिए जितनी सरलता कर दी है, जैसे हथेली में आंवला हो और स्पष्ट दिखे, उस तरह से भगवान आत्मा को हथेली में रखकर भाई मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, ऐसा विधान होता है, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा का हवाला लेकर पूज्य गुरुदेव श्री कहते ऐसा निर्णय कर। सभी स्वभाव से भगवान आत्मा है, माने तो भगवान आत्मा, न माने तो भगवान आत्मा, माने तो परमात्मा, न माने तो परमात्मा। ये वस्तु है, ये वस्तु की व्यवस्था है, ये अनादि अनंत एक रूप व्यवस्था है। जब अनादि अनंत एक रूप व्यवस्था है तो ये स्वभाव है, निरपेक्ष है, निरालंबन है, परिपूर्ण है, प्रकट है, विद्यमान है, हाजरा हाजुर है। सभी स्वभाव से भगवान है ऐसा निर्णय करते हुए, अपने परमात्मा तत्व को जानते हुए, परमात्मा तत्व को समझते हुए, परमात्मा तत्व को मानते हुए, गुरुदेव के पुठे पुठे चलकर, गुरुदेव के पीछे पीछे चलकर, गुरुदेव से आगे भी नहीं और पीछे भी नहीं, पुठे पुठे गुरुदेव की खेस पकड़कर, जहाँ गुरुदेव के पग पड़े वहीं पे अपने पग को रखते हुए उसी मार्ग के अंदर में आगे बढ़ने का जो विधान है, बहुत सरल है, सुगम है, सहज है, स्वाभाविक है, लेकिन सस्ता नहीं है। कोई पर्याय का पक्ष रखे, पर्याय का प्रेम रखे और आत्मा की अनुभूति हो जाए, ये तीन काल में नहीं होता। और द्रव्य का प्रेम रखे, द्रव्य की मिठास रखे, द्रव्य का एकत्व रखे और आत्मा की अनुभूति नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव श्री के हृदय को जानकर, समझकर, पहचानकर, वस्तु के हृदय को जानकर, गुरुदेव के हृदय को जानकर, आचार्य भगवंतों के हृदय को जानकर, तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि के रहस्य को जानकर, सभी जीव इस मार्ग के अंदर में आगे बढ़ते हुए मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय करके, ऐसा विश्वास करके, परमात्मा तत्व के अंदर में रह जाए, डूब जाए, लीन हो जाए और सादी अनंत काल तक उसी तत्व के अंदर में रहते हुए परिपूर्णता को प्राप्त करे, ऐसी मंगल भावना।